आप सबका स्वागत है मेरे लेंसहैक चैनल पर, जहाँ पे मैं आपको मोबाइल ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आज जो ऐप बताने वाला हूँ आपको, जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिस ऐप को हम देखने वाले हैं, वो इतना अच्छा ऐप है कि मुझे बहुत पसंद आया। मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन लगा, क्योंकि आज का वो ऐप हमारे टीचर्स के लिए जो हमें पढ़ाते आए हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो घर पे बैठ के पढ़ते हैं और उन्हें अपने बुक्स के टॉपिक नहीं मिल पाते, उनके लिए भी है। ख़ास तौर पे ये टीचर्स के लिए बनाया गया है। इसमें टीचर्स अपना, जैसे किसी क्लास को पढ़ाने जाना है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स उन्हें देखने होते हैं, वो चीज़ देख सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए है ये। मैंने ऐप में बताया भी टीचर्स के लिए है, और थोड़ा स्टूडेंट्स का भी बताया कि स्टूडेंट्स का भी वो सेम पैटर्न रहेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आपके साथ जितने भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स में जितने भी टीचर्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। लॉकडाउन में आपका बहुत साथ देगा, ठीक है। उस ऐप का नाम है दीक्षा ऐप, प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए DIKSHA दीक्षा ऐप आ गया है, इसे इंस्टॉल मैंने कर लिया है। ऐप का एक बार देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या है। ऐप 4.4 स्टार इसको रेटिंग मिली है, जो एक अच्छी रेटिंग है, और 50,000 लोगों ने इसका रिव्यू किया है, 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। इस ऐप का कुछ इसमें दिखाया गया है, एक फीचर्स का ये वीडियो दिखाई गई है, चलो ये देख लेते हैं। देश की शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान देते हैं हमारे टीचर्स। एक टीचर ही अपने बच्चों को सही राह दिखाती है, और उसकी मेहनत और लगन से ही बच्चों का कल संवरता है। पर हमारे टीचर्स का क्या? जहां सारा देश डिजिटल होकर आगे बढ़ रहा है, कई टीचर्स तक ये साधन नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्हें अपनी जरूरत और समय के अनुसार ट्रेनिंग भी नहीं मिल पा रही है। पर अब समय आ गया है बदलाव का, हमारे टीचर्स को सशक्त बनाने का। वे भी नए तरीके अपनाना चाहते हैं, और उनका साथ देंगे हम सब मिलकर। दीक्षा, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स। एक कदम देश भर के टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स के विकास की ओर, जिससे हमारे टीचर्स कभी भी, कहीं भी और कैसे भी अपने स्किल्स को बढ़ा पाएं, और अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए हाई क्वालिटी टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट रिसोर्सेज एक्सेस कर पाएं और बना पाएं, ताकि हमारे टीचर्स का देश भर में बढ़े सम्मान। और यही नहीं, दीक्षा हर कदम पर निभाएगा टीचर्स का साथ। TEI में स्टूडेंट होने की शुरुआत से लेकर रिटायरमेंट तक दीक्षा रखेगा उनके काम और उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि जब टीचर्स होंगे सशक्त, तभी शिक्षा होगी बेहतर और देश का होगा विकास। आज दीक्षा तैयार है राज्यों और TEI से जुड़ने के लिए। वे अपने जरूरत के अनुसार इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कस्टमाइज कर सकते हैं। कई राज्य दीक्षा के अलग अलग पहलुओं को चैंपियन कर रहे हैं। यही नहीं, दीक्षा के जरिए TEI ने स्टूडेंट टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स कोर्स रिलेटेड कंटेंट बनाकर अपलोड कर सकते हैं, और एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा साथ कई पार्टनर्स दे रहे हैं, तो आए और आप भी जुड़िए दीक्षा के साथ, और रखें एक मजबूत नींव हमारे हीरोज के लिए। तो देखते हैं इसके ऐप के बारे में, कुछ और भी हैं इसमें फीचर्स, वो भी देख लीजिए आप। देखे आपने, ये फीचर्स और हैं इसके अंदर, ये और चीज़ें हैं। तो अभी हम सीधा, बिना देर किए, वीडियो देखने के बाद मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, सीधा इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो ये ऐप अपना ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद लैंग्वेज मांग रहा है, तो हम एक बार हिंदी कहेंगे, क्योंकि हम हिंदी, सिर्फ हिंदी आ रहा है, इंग्लिश हिंदी नहीं आ रहा, ठीक है। दीक्षा में आपका स्वागत है। आप एक शिक्षक, विद्यार्थी, अन्य, तो आप एक अगर शिक्षक हैं तो शिक्षक पे क्लिक करें, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी पर क्लिक करें। मैं अभी शिक्षक पे क्लिक करके वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि एज ए स्टूडेंट भी मैं वीडियो बनाऊं, तो एज ए स्टूडेंट के लिए आप मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम शिक्षक पे क्लिक कर लेते हैं, और हमारा नेक्स्ट करते हैं।
कोई QR कोड मौजूद है, नहीं है हमारे पास। बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान का स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद माध्यम चुने हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी सेलेक्ट कर लिया। क्लास चुने, क्लास में 10th चुन लेता हूँ। ठीक है, जारी रखें। इसके बाद ये आता है आपका स्थान। आपका स्थान वितरण आपको प्रासंगिक कंटेंट प्रदान करने में हमारी सहायता करता है। जांचें कि क्या आपका स्थान सही है, अन्यथा अपना स्थान चुने और उसे सबमिट करें। राजस्थान और जयपुर, ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं हम, दाखिल करें। उसके बाद ये स्टार्ट हो चुका है। हिंदी मीडियम गणित की बुक हो चुकी है, यहाँ पे गणित आ गई है, वैदिक गणित। उसका पूरा बताया हुआ है कि आप कैसे स्टडी कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, इस ऐप पे कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए सारा कुछ इसमें बताया हुआ है, 7th के लिए, 8th, 9th, 10th। तो टीचर्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा, बेहतर होने वाला है। और स्टूडेंट के लिए भी मैंने ऐप ओपन करा है, तो मुझे समझ आ गया है कुछ नहीं। आप स्टूडेंट का अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है और आपको वही सेम टॉपिक्स मिल जाएंगे। और टीचर्स के लिए भी वही है, तो आप यहाँ से स्टडी करें टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। जैसे आप 8th क्लास को अगर टीचिंग देना चाहते हो तो किसी टॉपिक को रिलेटेड कोई इशू है तो आप इसमें वो अपना टॉपिक पढ़ें और उन्हें बता सकते हैं। नीचे पुस्तक संग्रह है, पुस्तक संग्रह पर क्लिक करके ये सारी बुक खुल चुकी हैं। प्रशिक्षण है, जिसमें लॉगिन करने के बाद हम ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। उसके बाद कोई QR कोड है बुक का, वो स्कैन करके और ये डाउनलोड्स आ जाएंगे, जो भी हम बुक डाउनलोड करेंगे और हमारी प्रोफाइल हो जाएगी। इसके अलावा यह ऊपर हम क्लिक करके देखते हैं तो इसमें उपयोगकर्ता रिपोर्ट भाषा सेटिंग्स यही चीज़ें नॉर्मली, ठीक है। और उसके बाद सर्च ऑप्शन में मैं अगर कोई बुक सर्च करनी है, कुछ ऐसा सर्च करना है तो वो कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और मैं अपने जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली में टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आप भी इस वीडियो को शेयर कर दें जिनको, जिससे उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके, काफ़ी मदद मिल सके। अब इस ऐप के जरिए टीचर्स भी पढ़ पाएंगे और अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से बता पाएंगे। तो अभी के अभी तुरंत इस वीडियो को शेयर कर दें और आपके साथ में जो स्टूडेंट और टीचर हैं उनकी हेल्प करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू गाइज़।